हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, हमें बताना है जो हीराकुंड परियोजना है वह कहाँ स्थित है, किस नदी पर है। तो वह स्थित है महानदी पर, ठीक है दोस्तों। और ये जो महानदी है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है इस परियोजना पर, याद रखिएगा। जिसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 4801 मीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये। और ये जो हीराकुंड परियोजना है इसे बहुउद्देश्य परियोजना भी कहा जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है दोस्तों, तो वह किस सिद्धांत पर काम करता है? वह काम करता है नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बम है क्या है? ये बहुत पावरफुल न्यूक्लियर बम होता है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली होता है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है हमें ये बताना है, तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जोजीला दर्रा, इसे जोजी भी कहा जाता है, और ये क्या है? ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है जो श्रीनगर को और लेह को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है दोस्तों। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक, आपको पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एसएससी मेकर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है दोस्तों, हमें बताना है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? वह था 1947 से लेकर 1948 तक, ठीक है। कौन थे ये? ये भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के शासनकाल में भारत का विभाजन भी हुआ था और पाकिस्तान का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताना है हमें भारत पर जब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था, तो वह किया था 712 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है कौन था? ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और 712 ईस्वी में इसने क्या किया था? इसने सिंध और मुल्तान पर हासिल कर ली थी, ठीक है, जीत लिया था उसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? ठीक है दोस्तों, तो कितने से कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? वह सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि, ठीक है। इन्हें ऑडिबल वेव्स भी कहा जाता है, अब श्रव्य तरंग, ठीक है। और इससे नीचे होते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे की जो वेव होती है उनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, ठीक है, उन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते। एक होती है अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है दोस्तों, वो होती है 20,000 से हर्ट्ज तक की ध्वनि, ठीक है, उन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। लेकिन जो ये बिल्ली होती है, कुत्ता होते हैं, मच्छर, इन तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। और जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स जो होते हैं, वो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? ठीक है, किस लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट? तो वह किया जाता है HIV के जांच के लिए, ठीक है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। और क्या है ये HIV? इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनि सिस्टम, वो फेल होने लगता है, जिससे क्या होता है? संक्रमण हो जाते हैं और मृत्यु का खतरा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरन कप का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है डूरन कप? तो वह संबंध है फुटबॉल से संबंधित है ये खेल, ठीक है, सॉरी कप। और ये जो डूरन कप है ये क्या है? ये तीसरा टूर्नामेंट होता है फुटबॉल में, जैसे हर खेल में टूर्नामेंट्स होते हैं उसी तरह ये टूर्नामेंट होता है फुटबॉल में। और ये कब हेड हुआ था? ये हेड हुआ था 1888 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बताइए कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? वह मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? ये शुरुआत हुई थी 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो से। ठीक है, उसका जो एजेंडा था 21, उसमें इसका प्रस्ताव मिलता है। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1993 को ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था विश्व जल दिवस। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में डेज और डेज से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना 22 मार्च क्या होता है, इस टाइम विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा, आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में स्थापना। ठीक है, कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष तो वो है शक्तिकांत दास। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की जो करेंसी है वो क्या है? वो है भारतीय रुपया। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है? बताइए किसकी जांच की जाती है इंडोस्कोपी यंत्र से? वह की जाती है शरीर के आंतरिक भाग की जांच। ठीक है दोस्तों, और ये जो इंडोस्कोपी है, ठीक है, इसको गुहांत दर्शी कहा जाता है हिंदी में, गुहांत दर्शी। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो शरीर के खोखले अंग होते हैं और छिद्रों के अंदर जांच करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बताइए कब आया था क्रिप्स मिशन? वह आया था 1942 को। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या था आपको ये भी पता होना चाहिए। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे भारत पर पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी जांघ में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सी पाई जाती है जांघ में हड्डी? वह पाई जाती है फीमर। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट अस्थि होती है ये जो जांघ में पाई जाती है। एक और पूछा जाता है स्मॉलेस्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है स्टेपिज। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है दोस्तों, कौन था वो यात्री? वो था वेनसांग। ठीक है, चीनी यात्री था ये, इसने 1.5 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, और इसका जो यात्रा स्मरण है सीयू की, उसी नाम से संकलित है इसका यात्रा स्मरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, लिटमस का रंग कैसा होता है बताना है हमें, तो वह होता है नीले कलर का, ब्लू कलर का होता है दोस्तों ये। और क्या होता है लिटमस? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इंडिकेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पानी में इजीली घुल जाता है, घुलनशील होता है, एक प्रकार का पेपर होता है ये। ठीक है, जिससे हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? लाइकेन से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? हमें बताना है दोस्तों किसने की थी, तो वह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन थे ये, कौन थे ये? क्रांतिकारी थे, पहले भारतीय थे ये जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में एमए की थी और बारेट लॉ की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, और ये जो इंडिया हाउस है ये क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, हॉस्टल है ये, छात्र निवास बोलते हैं। 1905 से लेकर ये 1910 तक अस्तित्व में रहा था, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कौन सा है, तो वह है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है आपको ये भी पता होना चाहिए, बांग्लादेश में स्थित है ये। और ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, यहाँ के जो नरभक्षी है बाघ, ठीक है, बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस है, याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो यूनेस्को की ये क्या है, विश्व धरोहर है,
कब से, 1997 की शिला लेख है ये, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, उपनिषद वेदांत होते हैं ये, ठीक है, कितनी संख्या है इसकी? संख्या है 108, ठीक है। क्या होते हैं ये भारत, ओ सॉरी, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और किस भाषा में लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपको पता ही होगा भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश, और आबादी की दृष्टि में ये सेकंड नंबर पे हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सातवें नंबर पे हैं, ठीक है। और एक और चीज़, हमारे जो केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण राज्य मंत्री है वो कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तो वो है सुदर्शन भगत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? वह स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। और ये जो तारापुर एटॉमिक पावर है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग, ये भारत का पहला ऊर्जा रिएक्टर है, ठीक है, फर्स्ट। और कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। बिजली संयंत्र है ये, तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र। और जो विश्व का पहला है वो कौन है? वो है रूस, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और सेकंड नंबर पे है यूएसए, ठीक है दोस्तों, सेकंड पे यूएसए, फर्स्ट पे रूस। और यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र के जो वो है कैपिटल है वो क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ठीक है दोस्तों, कैपिटल है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोशियारी, ठीक है, भगत सिंह कोशियारी, आपको ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में आता है बार बार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एसएससी मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।